Hey guys, this is Abhi. I hope you all are good. And today's vlog is all about my hidden talent. So let me tell you guys about my hidden talent. So भाई ये है मेरे Rubik's cube and I know how to solve each one of them. तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट क्यूब के बारे में, जो कि है ये 3x3 रूबिक्स क्यूब। अभी भी बिलीव नहीं होता ना कि ये क्यूब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आओ तुमको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। तो भाई क्यूब स्क्रैम्बल हो चुका है एंड इफ़ यू गाइज आर हैप्पी विद दिस स्क्रैम्बल तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ इन 3, 2, 1 गो। अब तो भरोसा हो गया ना भाई कि सॉल्व कर सकता हूँ, और ऐसे ही मैं ये भी सॉल्व कर सकता हूँ ये सारे। सो लेट मी नाउ टेल यू कि मैंने ये रूबिक्स क्यूब कैसे सीखा और ये टैलेंट मेरे अंदर कैसे डेवलप हुआ। सो इट ऑल स्टार्टेड 4 years बैक जब मैं 9th क्लास में हुआ करता था और मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो मैं उसके घर गया था एंड उसके बर्थडे पार्टी में उसका एक कज़न ब्रदर जो कि बाहर आउटर स्टेशन से आया हुआ था, उसके हाथ में मैंने ये रूबिक्स क्यूब देखा और वो बढ़िया 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर रहा था। तो मैं देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ कि भाई ये कैसे कर रहा है। मैंने सोचा कि यार अगर ये कर सकता है, ये मेरी एज का है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने रूबिक्स क्यूब ऑनलाइन ऑर्डर किया और बस सीखना चालू कर दिया। अब मैं किसी और से सीख नहीं सकता था तो मैंने क्या किया, मैंने YouTube खोला और YouTube पे ट्यूटोरियल्स एंड इवेंचुअली मुझे 1 महीना लगा एंड फाइनली मैं 3x3 सीख चुका था। जब मैंने 3x3 रूबिक्स क्यूब सीख लिया था उसके बाद मतलब ऐसा लगे कि भाई मैं ये सीख गया तो क्यों ना मैं और सारे क्यूब्स भी सीखूं। तो 3x3 के बाद मैंने 4x4 सीखा और भाई मतलब ये बनाया तो लगा यार और बनाना चाहिए। उसके बाद मैंने लिया 5x5। फिर जब मैंने 5x5 रूबिक्स क्यूब सीख लिया उसके बाद मैंने सीखा मिरर क्यूब। मिरर क्यूब ये वाला क्यूब है जो कि तुम लोग जानते होगे, बैंग बैंग अगर पिक्चर किसी ने देखी हो ऋतिक रोशन वाली, उसमें यहाँ पे वो ऐसा टैप करता है हीरा निकलता है, वो तो CGI था। इतना मज़ा आता है ना इस क्यूब को सॉल्व करने में। अगर मैं इसको स्क्रैम्बल करके दिखाऊंगा ना तो देखो इसकी शेप पूरी डिसओरिएंट हो जाती है। ये क्यूब अनसॉल्व कुछ ऐसा लगता है एंड मुझे ये वाला क्यूब भी सॉल्व करना आता है। क्या विश्वास नहीं हो रहा? अब इसका भी प्रूफ देना पड़ेगा क्या भाई? अब इससे तो समझ ही गए होगे ना कि सारे कर ही सकता हूँ सॉल्व। तो ये क्यूब सॉल्व करना मैंने तब सीखा था जब जियो आया भी नहीं था, तो नेट हमारे पास लिमिटेड होता था। 350 रुपये का मम्मी नेट करवाती थी अपने फ़ोन में, 1 GB, वो भी रहता था पूरे 1 महीने के लिए, जिसको मैं पूरा 1 दिन में पेल देता था क्योंकि 1 दिन में इतने सारे यूट्यूब वीडियोज़ देख देख के कि कैसे होता है सॉल्व ट्यूटोरियल वगैरह। मैंने ऐसे करके मम्मी के 3-4 महीने का पैक 3-4 दिन में ख़त्म किया है। फिर मम्मी से एक दिन बहुत ज़्यादा डांट पिटी मेरे को, तो मैं साइबर कैफ़े जाया करता था 9th क्लास में और वहाँ जाके 30 रुपये दे के आधे घंटे का मैं यूट्यूब पे क्यूब बनाना सीखता था भाई। और ऐसे करके मैंने ये सारे क्यूब बनाने सीखे हैं। और हाँ, ये जो छोटा वाला क्यूब है 2x2, ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सॉल्व करता था क्यूब, मेरे सब दोस्तों को पता था कि मैं कर सकता हूँ। गिफ्ट से याद आया कि ये वाला क्यूब जो है ये भी मुझे गिफ्ट मिला था, मेरे एक मामा हैं जो बाहर रहते थे एंड वो यहाँ जबलपुर आए हुए थे, तो उनको मैंने ये सॉल्व करके दिखाया और वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे मेरे से। जब वो अपने घर पहुँच गए थे वहाँ से उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मेरे को ये भिजवाया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था भाई ये रिसीव करके। तो ये थी मेरी कहानी अबाउट माई हिडन टैलेंट एंड माई क्यूब्स।
तो यार अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर देना यार, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। करते हैं मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट क्यूब के बारे में। गाड़ियों को अभी क्यों निकलना है भाई।